जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मायके वाले घर से, यानी कि अपनी मम्मी के घर से। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ और बिल्कुल रेडी हूँ। और रेडी किस लिए हूँ, क्या हूँ आपके लिए? कल तक मैंने सरप्राइज रखा था, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सरप्राइज रखा हुआ है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देख रहे हैं आप मेरा लुक कौन सा वाला लुक है? मेरा है पूजा वाला लुक। और हम कर रहे हैं पूजा, किसकी पूजा क्या कर रहे हैं मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। और मेरे पतिदेव भी रेडी हो गए हैं और मेरी मम्मी भी मेरे साथ चल रही थी, मेरी मम्मी भी रेडी है, सभी फैमिली मेम्बर आएंगे के करके। तो सारा कुछ आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रूर देखिए मेरे ब्लॉग में और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलो चलते हैं। तो मेरी मम्मी, मैं और मेरी मम्मी वो तैयार है। हेलो को हाय कर, हेलो। ये देखो मेरी मम्मी हाय कर रही है सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो मैं और मम्मी बिल्कुल रेडी है, जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ पर। तो चलो। ओ, मेरी छोटी छोटी बहन है, आ गए दोनों। हिमानी हेलो को, हेलो। ये चलो चलते हैं ना मेरे साथ पूजा पाठ करने। ढोलक भी ले आ रहे हैं हम, कीर्तन भजन भी करेंगे आज, है ना? पहुंच गई मैं वहाँ, जिसका मैंने आपको भी इंतजार कराया और मैंने भी इंतजार करा और आपके लिए सरप्राइज भी रखा था। तो हमने लिया है रिसोर्ट, ये देखिए, यह है जिम कॉर्बेट के बिल्कुल पास में, सांवलदे में, जिम कॉर्बेट के बिल्कुल नज़दीक। अगर कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो ये हमारा रिसोर्ट है। तो आज हम लोग इसकी पूजा करा रहे हैं और इसका हवन करा रहे हैं। तो पहले ओपनिंग हो रही है आज इसकी, तो आज पूजा पाठ है। तो हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं और करते हैं पूजा पाठ, हवन प्रक्रिया कर रहे हैं, बैठते हैं पूजा पाठ में और दिखाती हूँ आपको यहाँ का पूरा लुक। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। सामने जिम कॉर्बेट का एरिया है और यहाँ पर हमारा रिसोर्ट है। देखिए ये पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया, ये देखो रिसोर्ट का लुक है। यहाँ से स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ आपको कुछ इस तरह, ये पूरा रिसोर्ट हमने ले लिया है। प्लीज बुकिंग करें, यूट्यूब में मुझे मैसेज करें कभी किसी ज़रूरत पड़े तो। और अभी ये काफ़ी सुंदर बनेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, काम वम चल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और हम पहले पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो फैमिली मेम्बर को दिखाना तो सारा कुछ बनता ही है। तो मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ पहले दिखाने की। ये देखिए फ्लावर सुंदर सुंदर, हर जगह मैं आपको फ्लावर ही दिखा दूँ दोस्तों। ये पूरा एरिया देखो, अरे रिसोर्ट का, और कितना मतलब इतने इतना सुंदर एरिया, इतना सीनरी देखो आप, इतना प्यारा पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया है। यहीं पर ही हमारा रिसोर्ट है। हम लोग करते हैं पूजा, पूजा में बैठते हैं, हवन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहीं की मौज मस्ती भगवान के नाम की आपको दिखाते हैं। बनी रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। और मेरे साथ कौन कौन आया है दिखाती हूँ, मेरी दो छोटी छोटी बहनें भी आई हैं मेरे साथ, है ना? ये देखो, और अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना इंदु, बहुत सारे लोग आएंगे घर के हमारे ना, जब आएंगे तो मौज मस्ती करेंगे, फिर सबको मिलाएंगे, फुल एंजॉय, है ना? ये देखो गुल्लू टिम्मू मैं सी हूँ, बोल बैठते हैं पूजा पाठ में और करते हैं हवन वगैरह। पहले पूजा पाठ भगवान का नाम, उसके बाद सारे काम, पहले होगी भगवान के नाम की पूजा, जिसके जिन्होंने हमें आज ये दिन दिखाया है और जिनकी बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका आशीर्वाद पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद सारे कार्य होंगे। तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं सर्वप्रथम, फिर करते हैं और कार्य। ये हमारे रिसोर्ट का पीछे का एरिया है सारा, इतना सुंदर बनाएंगे अभी इसके कि लोग देखते जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर अवसर देना और यूट्यूब में मुझे बढ़िया से मैसेज करना इसके लिए कि आपको हमारा ये रिसोर्ट कैसा लगा। ये है जिम कॉर्बेट रामनगर शामलदे में, ये देखिए। आपको पूजा पाठ की तैयारी दिखाते हुए, ये हमारा हॉल है, देखिए रिसोर्ट आगे हैं अपनी कार्रवाई में कर रहे हैं। ये देखिए सामान वगैरह, बोला पूजा पाठ की तैयारी चल रही है हवन की। मैंने आपको बाहर का दिखाया सारा व्यू अपना रिसोर्ट वगैरह, और अब मैं आपको किचन की शुरुआत दिखा दी और किचन की शुरुआत में दिखा दी अपनों को, पहले सबसे पहले अपनों का हाथ लग रहा, उसके बाद होगा सारा कुछ। तो देखिए दिखाते हैं किचन में कौन कौन है, सब क्या कर रहे हो? ये देखो खाने पीने की तैयारी हो रही है, आप देखो पंडित लोग बिल्कुल मेन पंडित बना रहे हैं खाना। और दोस्तों ये ना मेरे जेठ जी भी हैं, भाई साहब हैं मेरे, और इस समय रसोई बने हुए हैं, तो ये बना रहे खाना। ये देखो और चाय, भाई साहब कह रहे पहले मैं चाय पीऊंगा, चाय भाई साहब को ज्यादा चाहिए, तो चाय बना रहे हैं भाई साहब। ये देखो दूसरे रसोई,
ये देखिए ये भी रत्ना बाजार से आए हुए हैं, ये भी स्पेशल बुलाए गए हैं खाना बनाने के लिए यहाँ पर। अभी ये हमारी रसोई बड़ी सी, आपको भी रसोई में लोग लगे हैं अभी, लेकिन हलवाई आने वाले हैं वो बनाएंगे खाना। फिलहाल भाई सब लोग चाय बना रहे हैं, आलू आलू मार रहे हैं, लेकिन खाने के लिए पंडित बुलाए हैं आपने, हैं मेंबर लोग हैं अभी सारे लोग। ये मेरे बड़े जेठ जी हैं, बड़े भाई साहब जो हमारे हर कार्य में रहते हैं। ये देखिए मेरे पतिदेव जिनका रिसोर्ट है ये, वो है देखो ये मेरे हस्बैंड जी वगैरह हैं, ये बैठे हुए हैं सारे लोग बातें कर रहे हैं। मेरे पापा पंडित जी के साथ पिताजी, तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए, जानवर भी मिलेंगे, पक्षी भी मिलेंगे। ये देखो और दिखाती हूँ फिश, दिख रही है इसमें आप, इसमें मछलियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन दिख नहीं रही क्योंकि सारा पानी ग्रीन हो रखा है। ये देखिए इसमें मछलियाँ, ये पाल रखी हैं। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है, कमाल पत्र मालोके प्रत्यभावा भवन्तु ते। ओम श्रीष्टदे लक्ष्मी शमत्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम सुविनो व्याप्तं शृण्यकाणां मुम्बैकाणां। हरि ओम महन्ति मङ्गलाकारी सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ऋषि महर्षिभ्यो नमः, गंगा नदीभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री वास्तुपुरुष सहित भगवान गणेशांबिका भ्याम नमः। ॐ श्री हरि विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरागया सूर्यवासरानुतायाम् उत्तराखंड प्रदेशस्य कुमाऊं मंडलांतर्गते नैनीताल नर्मदांतर्गत मध्यांतर्गते सावलदेहत्याख्य पुण्य पवित्र ग्राम मध्ये भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो अहं बोलेंगे वृषराशे श्रीमान श्री विशंदत जी शर्मणः तथा च सिंहराशे मंजू नामनी भार्या सहितो अहं कह लेंगे मम कह लेंगे तथा च सकुटुंब सपरिवार सहितो अहं कह लेंगे द्विपद चतुष्पद धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं काय सर्वाहनाय नमः। ओम कांडात कांडात प्रोरहंति परुखाव, ओम कांडात कांडात प्रोरहंति परुखाव परुखस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। ओम शिव सुनमस्ते शिव सुताय नमः, ओम उमा सुनमस्तुभ्यं उमा सुताय नमः, ओम कुमार गुर्वे तुभ्यं नमस्तु कुमार गुर्वे तुभ्यं नमः। सभी लेकर चढ़ा देंगे, ओम कांडात कांडात प्रोरहंति परुखाव, चावल भी चढ़ा देंगे जो हाथ में है, कांडात कांडात प्रोरहंति परुखाव परुखस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण। यहाँ सब आरती कर रहे हैं, yeah।
लकड़ियाँ थे वो शुद्ध बिल्कुल बिल्कुल पेड़ की लकड़ियाँ अपने घर की है। हवन की तैयारी हो चुकी है और हवन अब स्टार्ट होगा। हरि ओम मंगलमूर्तये नमो नमः। सिद्धिविनायकाय स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम सिद्धिविनायकाय 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 स्वाहा। समाप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। भगवान का पूजा किया, मनन किया, स्मरण किया और अब करते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों आरती ले ली सबने, सबको प्रसाद बांट ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी मेरी फैमिली है, मेरे ताऊ चाचा लोग हैं सारे, ये मेरी चाची हैं, ये देखो ये मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, मेरे पापा, सभी लोग हैं। ये देखिए अब कितना महंगा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग, नई तरंग और नई ताजी के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन्नारायण।